हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, दिखते कैसे हैं, अभी मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले आप देख सकते हो ये आपके पास पूरी कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें आपने जो है ये आपके पास प्रॉपर्टी लाइन आ गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लाइन है, ये मतलब इसके यहाँ पे जो है आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। अब ये आपके पास बीम्स आ गए, ये आपके पास थ्रू आउट बीम्स। अब ये आपके पास रूम्स आ गए, ठीक है। अब ये रूम, अब जो आपके पास स्पैन्स जहाँ पे होता है वहाँ पे जो आपके पास जिस सपोर्ट होती है वहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रही होती है, उसको रेजिस्ट करने के लिए ये बेंड अप बार, ये नेगेटिव बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बॉटम में आपके पास ये बार्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास बार्स हैं। अब ये बार, ये जो टॉप होता है ये आपके पास मैन हो जाती है, जो बार ऊपर वो टॉप डबल मैश होता है। देखो एक ये आपके पास बॉटम मैश है, ये आपके पास टॉप मैश है। अब ये बार आपके पास मैन बार हो जाती है और ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, ठीक है। जो टॉप से होता है मैन और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ठीक है। जब आपके पास जो बॉटम मैश होता है उसमें आपके पास नीचे वाली मैन, ऊपर वाली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी साइड पर वर्क कर रहे हो, जब भी साइड पर हो, आपने जब भी प्रोनाउंस करना हो, कुछ करना हो, जब आप देखो टॉप मैश मींस के आपके पास डबल मैश होगी, डबल मैश में जो ऊपर वाली बार, ये जो ऊपर है ये मैन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे वाली में ऊपर वाली डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे वाली आपके पास मैन, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। अब देखो ये जो जगह है यहाँ पे बिल्कुल मैन बार नेगेटिव बार्स नहीं प्रोवाइडेड, इस जगह पे आपके पास नेगेटिव बार्स प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये एट दी स्पॉट है, स्पॉट पे हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट आ रही होती है, सो उसको रेजिस्ट करने के लिए इस तरह की नेगेटिव बार्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी साइट पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो आपने नेगेटिव बार्स प्रोवाइड करनी है हमेशा हमेशा। अभी देखो ये मिड में यहाँ पे नेगेटिव बार्स कोई नहीं प्रोवाइडेड, ये वाली। अब देखो ये टोटल सेक्शन, ये नेगेटिव बार्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊं। अब देखो ये आपके पास टोटल सपोर्ट जा रही है, अब ये आपके पास टोटल सपोर्ट है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे सेक्शन है यहाँ पे आपके पास नेगेटिव बार्स प्रोवाइडेड हैं। अब ये जो बार्स जा रही हैं ये आपके पास सारी स्पोर्ट्स पे नेगेटिव बार्स, मीन्स कि आपने डबल मैश प्रोवाइड किया, नीचे मैश उसके ऊपर भी यहाँ पे आपने साइड्स पे प्रोवाइड, क्यों? क्योंकि देखो ये आपके पास टोटल बीम जा रहा है, एड स्पोर्ट है, सो स्पोर्ट होने की वजह से यहाँ पे आपके पास नेगेटिव मूवमेंट आ रही है, सो नेगेटिव मूवमेंट को आपने रेजिस्ट करवाना है, इस वजह से आपने ये बार्स प्रोवाइडेड है। उसके बाद आप ये स्पोर्ट देखो, यहाँ पे भी टोटल आपने नेगेटिव बार्स प्रोवाइड करनी है, लेकिन मिड में यहाँ पे आपने नहीं प्रोवाइड करनी। उसकी वजह ये है, मिड में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, और शेयर फोर्स हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो होती है। एट द मिड हमारे पास शेयर फोर्स ज़ीरो होती है और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। एट द स्पॉट हमारे पास जो शेयर फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है और हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आती है, ठीक है। सो ये इस वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव बार्स प्रोवाइड करते होते हैं। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड को समझ ना आ रही हो नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।